हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. आपकी वजह से आज मैं हूँ 6000 सब्सक्राइबर में, जो कि मेरे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है. मैंने कभी भी ऐसा इमेजिन नहीं किया था, ट्रस्ट मी ऑन दैट. थैंक यू सो मच. आई रियली लव यू ऑल एंड आई रियली अप्रिशिएट कि इतना ज़्यादा सपोर्ट किया आप लोगों ने मुझे. थैंक यू. एनीवे, आज का जो वीडियो है ये है रिव्यू वीडियो ऑन माय करंट फेवरेट फाउंडेशन, जो कि है लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन. ये जो मेरा शेड है ये है गोल्डन बेज का. इसका जो एमआरपी है वो है 799, लेकिन अगर आप नायका से लोगे तो आपको जरूर ऑफर में मिलेगा, क्योंकि मुझे भी ऑफर में मिला है. मुझे ये कुछ 550 में मिला था. सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं इसका डेमो. सो मैं अपने राइट साइड में ब्रश यूज करूंगी और इसे बफ करते हुए ब्रश के साथ करेंगे. अपने लेफ्ट साइड में मैं ब्यूटी ब्लेंडर से करूंगी. इससे ये पता चलेगा कि ये फाउंडेशन किस तरह ज्यादा वर्क करता है, ब्यूटी ब्लेंडर से या ब्रश से. थोड़ा सा लिक्विडी है. फाउंडेशन लगाने से पहले मैंने यहाँ पे प्राइमर लगा लिया था और अपने फेस को पहले अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया था, जिससे कि मेरा जो मेकअप हो वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे. तो जिनके पोर्स है, लार्ज पोर्स है, वो लोग हमेशा याद से प्राइमर लगा लीजिए. सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है. ये लिखा है कि ये 24 आवर्स रहेगा, बट ट्रस्ट मी ये 24 आवर्स नहीं रहेगा. हाँ, ये 12 आवर्स अच्छा वर्क करता है. सो ये रहा ब्यूटी ब्लेंडर. मुझे ज़्यादातर ब्यूटी ब्लेंडर ही पसंद है यूज़ करना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से प्रोडक्ट लग जाता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है. सो गाइज, ये डिफरेंस है ब्रश में और ब्यूटी ब्लेंडर में. सो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट येस, मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो गया और बहुत अच्छा लुक आ रहा है. फिर मेरे थोड़ा सा फाउंडेशन इवन रह भी गया है और एक पंप में मेरा पूरा फेस कवर हो चुका है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, नॉर्मल मेकअप करना है, तो वन पंप इज इनफ फॉर यू. अगर आपको फुल कवरेज चाहिए, थोड़ा ज़्यादा कवरेज चाहिए, तो ऑफकोर्स आप 2 pumps यूज़ कर सकते हैं. सो मेरा ज़्यादा करके यहाँ पे सारे मार्क्स हाइड हो गए. मैं यहाँ पे और एक पंप ले रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा और कवरेज मिल जाए. यहाँ पे मुझे कंसीलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो गाइस, ये है फिनिश लुक. जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फुल फेस अच्छे से कवर कर लिया है ये 2 pumps में. वन पंप में भी बहुत अच्छा खासा कवरेज देता है. अपना पूरा मेकअप करके आपसे बात. सो गाइस, आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में. और अगर आपको जानना है कुछ भी रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. मैं आपको जरूर बताऊंगी उसके बारे में. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना किसी के साथ भी जिसको ये फाउंडेशन लेना हो उसको, ऑफ कोर्स. सो गाइस, मिलती हूँ जल्दी ही अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय.